केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने आज का दिन ग्वालियर के लिए भव्य दिन बताया है। उन्होंने कहा, मेरा सपना था ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बने, आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। चंबल से पानी लाने का मेरा संकल्प था, वह भी पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 3030 करोड़ रुपये के शिलान्यास भूमि पूजन आज ग्वालियर में हुए हैं। वहीं बीजेपी में बुजुर्गों को टिकट देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपना देखे, उसे बुजुर्गों के साथ जुड़ना है या युवाओं के साथ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और भव्य दिवस ग्वालियर के लिए है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, नितिन गडकरी साहब को और हमारे सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जहां एक तरफ जो मेरा सपना था जो आज साकार हो रहा है, एलिवेटेड रोड भाग एक IIITM से रानी झांसी के धाम तक, और वहां से आज हमारे पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड की भाग दो का शिलान्यास होने जा रहा है, 926 करोड़ रुपए का।